आज है हमारा लेह में दूसरा दिन। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं बाइक रेंट करने की, क्योंकि लेह में हमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग का प्लान ये है कि एक बाइक या एक्टिवा रेंट करके आसपास का एरिया कवर किया जाए, फिर हम यहाँ से निकलेंगे नुब्रा वैली या फिर पेंगोंग लेक, ऐसी ऐसी जगह के लिए जिनके लिए बसेस अवेलेबल है। इस असमंजस में है कि हम बाइक से नुब्रा वैली जाए या फिर बस से जाए। ऐसे तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बस से जाए, क्योंकि बस का किराया सिर्फ 250 रुपए है और वहीं पे बाइक का 1000 रुपए तो पर डे किराया लगेगा ही, उसके अलावा पेट्रोल भी लगेगा। यार अमूमन हर जगह जहाँ पे भी बाइक रेंट करते हैं लगभग 1000 रुपए या 800 रुपए की बाइक रेंट होती है, और एक्टिवा वहीं पे 400-500 की होती है। तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कितने की होगी। एक तो मैं हैरान इस चीज को लेके हूँ कि ले जैसी सिटी में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर बाइक रेंटल हो सकती है। अभी यहाँ पे हमें एक बाइक रेंटल मिला है थोड़ी दूर, तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ से, बट वहाँ पे कोई बाइक नहीं दिख रही मुझे। देखते हैं, शायद सीजन अभी शुरू हुआ है तो बाइक रेंटल शायद नहीं हो रहा वहाँ। इन विंडो ये वाली कर लो क्या? मैं कह रहा हूँ लवारी से, उत्तर प्रदेश में होती तो कर लेता हूँ काम। बाइक रेंटर वाली जगह मिली है, पर देखते हैं यहाँ पर बाइक मिलेगी कि नहीं। वैसे तो हमें एक्टिवा चाहिए, पर यहाँ पर बाइक लगी है। अभी फोन किया है, आ रहे हैं। पता नहीं कह रहे अपने घर हैं, घर से आ रहे हैं 2 मिनट में। यहाँ पर बस मुझे एक ही बाइक दिख रही है। तो दोस्तों फाइनली हमने एक स्कूटी ले ली है। वैसे तो स्कूटी का दाम दे रहे थे 800 रुपए एक दिन का, पर क्योंकि आज 2 बजे हैं तो हमने उसका 50% कराया 400 रुपए, और कल का हमने कराया 700 रुपए, यानी कि टोटल हमारे कल शाम तक 1100 रुपए लगेंगे। स्कूटी हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकते, स्कूटी की इशू है। तो हमने सोचा कि आसपास का एरिया कवर कर लेंगे जितना हो सकता है, फिर हम लोग नुब्रा वैली अगर जाना हो बाइक लेके तो परसों देखेंगे। क्योंकि अभी दिक्कत बाइक ले जाने में नहीं है, दिक्कत है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर। कब बारिश हो जाए, कब स्नो पड़ जाए, कोई पुलिस वाला रोक ले चौकी पे कि भाई आगे नहीं जा सकते। तो बाइक पे भी थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। एक ये भी है कि बाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ रही है। यहाँ पे कह रहे 1200 रुपए देंगे मिनिमम। जिन भैया का पूरा ये शॉप है, उन्होंने बताया कि जब 1999 में यहाँ पे वॉर चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और ये जो भैया है इन्होंने उस वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था, जैसे खाना पहुंचाना सोल्जर्स को, और ये बता रहे थे कैसे इन्होंने अपने सामने डेथ भी देखी लोगों की। तो सुन के गर्व भी फील हुआ, थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ, बट इन भैया से ऑल एंड ऑल बात करके बहुत अच्छा लगा। देखो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा लगा। तो आज जब मैं सुबह उठा था तो मेरे दिमाग में सवाल ये था कि ले में अगर हम बाइक या स्कूटी रेंट करते हैं तो उसका प्राइस क्या रहता है। तो अभी जो हमें एक्टिवा पड़ी है वो पड़ी है एक दिन का 700 रुपया, और आज से कल शाम तक का 1100 रुपया। लेकिन अगर यही हम सीजन में रेंट करते तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लो होता। भैया ने हमें एक रेट लिस्ट दिखाई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हैवी बाइक्स है, जैसे 650 cc, KTM 390, ऐसी जो हैवी बाइक्स है उनका रेट रहता है लगभग 3500 रुपये पर डे, और जो उससे थोड़ी सी लाइट होती है उनका रेट रहता है लगभग 2800, और जो उनसे थोड़ी सी लाइट होती है उनका रेट होता है लगभग 1800, फिर जो सबसे कम रेट होता है वो 1500 रुपये होता है। लेकिन हमें स्कूटी पड़ी है 700 रुपये में, यानी कि ऑफ सीजन में थोड़ा सा ट्रैवल करने का फायदा रहता है कि आप चीज़ें सस्ती पा सकते हैं। बाइक रेंट के लिए एक या दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑब्वियसली, और दूसरा जो जरूरत होती है वो आपके आधार कार्ड की होती है। बहुत आसान प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, नाम पता पता लिखना होता है, 2-4 चीज़ें। जब आप सीजन में आएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी आपको, तो उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाकर मन बनाकर आइएगा। अभी मेरे पास 1.5 दिन है आज का और कल का, और मैं ले के जितने मेजर अट्रैक्शन है वो इस 1.5 दिन में कंप्लीट करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अच्छे से। और उसके बाद मेरे दिमाग में 2 चीज़ें हैं, या तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करूँ, जैसे यहाँ से नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से फिर वापस आना पड़ेगा, वापस आके फिर यहाँ से आप जाओ पेंगोंग लेक, सोमोरीरी लेक, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, और उसमें एक इशू है कि हम कहीं भी बीच में रुक नहीं सकते। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि बाइक रेंट कर लूँ, पर बाइक रेंटल बहुत ज्यादा पड़ सकता है। मान लीजिए मुझे सारी जगह कवर करने में लगभग 10-15 दिन लग सकते हैं, जिसमें चार्ज पड़ेगा कम से कम 15-16 हज़ार, डिपेंडिंग की और नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, तो वो चार्जेस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर उसमें यह कि समय बच जाएगा और हम थोड़ा सा फ्रीडम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी मैं इस बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ, मेरे पास कल शाम तक का टाइम है। बाकी एक्चुअली मैं वीडियो थोड़ा लंबा बनाना चाहता था, बट मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि अगर कोई देखे तो उसे उसी के दरमियान चीजें पता चले। ऐसा नहीं कि एक चीज में मैं 10 चीजें दिखा दूँ। ये है यहाँ का ट्रेडिशनल डिश तुपका। जैसे कई के जगह पोरिज होता है, कई के जगह ओट्स होते हैं, उसी तरह का एक मील है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, बट ये उसे रिप्लेस करता है। इसमें नूडल्स रहते हैं, थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल रहते हैं, और सूप रहता है, तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग इधर आए तो इस चीज़ को जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये शांति स्तूपा, ये वाला है यार,
ये एक नहीं है, इंडिया में बहुत सारे शांति स्तूप है, जैसे दार्जिलिंग में है, सिक्किम में है, गया में है, एक राजगीर में है, गया में नहीं है। इसमें इंडिया और जापान दोनों कोलेबोरेशन है। जब लड़ाई वड़ाई चल रही थी तब जापान ने सोचा था कि थोड़ा सा इंडिया को ऐसी ऐसी चीजें दे दे, तो उन्होंने ये दिया। जो यहाँ पे आने का मेन मकसद है वो है ये, यहाँ से आपको पूरी लेह सिटी दिखती है, वो भी एक नज़र में। ये जो शांति स्तूप है 3600 मीटर के एलिवेशन पे है, यानी कि बहुत ऊपर है। जब भी मैं बोलूँ ना कितने ऊपर, तो अपने दिमाग में समझा करो बहुत ऊपर है। अगर आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं तो आपका एलिवेशन होगा 100-150 मीटर, 200 मीटर तक सी लेवल से। यहाँ पे 3600 मीटर है, सांस भी कम आती है और चीजें भी कम आती है, क्योंकि पूरी लेह सिटी अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। जैसे इधर से एक अलग एंगल मिल रहा है देखने का, और जहाँ पर पहले खड़े थे वहाँ पे एक अलग एंगल था देखने का। ऐसा लग रहा है मैं डेनिस विलेनोव की मूवी का एक पात्र हूँ और मैं किसी अलग प्लेनेट पे आ चुका हूँ। ये अर्थ नहीं है, सब टाइटल दिया है। तो ये जो स्तूपा है इसको पीस पगोड़ा बोलते हैं, और इंडिया में ऐसे काफी सारे पीस पगोड़ा है, सारे लगभग सेम होते हैं। थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पूरी सिटी का एक पैनोरमिक व्यू मिल जाता है। अगर आपको पूरी लेह सिटी का ना एक पैनोरमिक व्यू चाहिए, बहुत सुंदर है लेह सिटी। जब हम लेह सिटी में रहते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली कितनी सुंदर है लेह सिटी, कैसे पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। पर जब हम ऊपर आते हैं, पूरी हिमालयन रेंज है ये, यहाँ से दिखती है। नीचे से इतना अच्छे से नहीं दिखता क्योंकि वो सूखे पहाड़ बीच में आ जाते हैं।